समृद्ध भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री आवास योजना मील का पत्थर बनकर उभरी, जिसने समाज के निचले और मध्यम वर्ग के लोगों को पक्के मकान, साफ सुथरा परिवेश और शौचालय प्रदान किया है। आज हम मिलेंगे देवास के विनोद कुमार राव से और उनसे जानेंगे इस योजना के बारे में। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं पिछले 20 वर्षों से देवास में रह रहा हूँ और मैंने देवास शहर को काफ़ी नज़दीक से देखा है। मेरा पुश्तैनी मकान मोटर स्टैंड पर था, जिसमें मैं पला बड़ा। मैंने अपना बचपन उस कच्चे मकान में बिताया, पर ज़रूरी नहीं कि मेरे बच्चे भी अपना बचपन उस मकान में बिताएं। समय बदल गया है, फिर कच्चे मकान में समस्या भी काफ़ी आती है। हर मौसम की अपनी अपनी परेशानियां होती है। बरसात के मौसम में छत से पानी टपकता था, जिससे पूरा घर गीला हो जाता था। दीवारों पर सीलन की वजह से फफूंद लग जाती थी, जिससे एक अलग सी दुर्गंध बनी रहती थी। ऐसे घर में मन नहीं रखता था, पर करे तो क्या करे। मैं देवास की एक प्राइवेट कंपनी में श्रमिक के रूप में काम करता हूँ, जिससे मुझे जो प्रतिमाह तनख्वाह मिलती है, या तो मैं अपने परिवार का पेट भरण पोषण कर लूँ या मकान बना लूँ। दोनों मेरे लिए संभव नहीं थे, बच्चों का भरण पोषण करना ज़्यादा ज़रूरी था। एक दिन मेरे साथ में जो सहकर्मी काम करते हैं, उन्होंने लंच टाइम में मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताया, तो मुझे इस योजना के बारे में पता चला। तो मैंने अपना कच्चा मकान पक्का बनाने हेतु देवास नगर निगम में अपना आवेदन जमा किया। सर्वे के बाद मेरे नाम को चुन लिया गया और मकान निर्माण हेतु किस्तें आना प्रारंभ हो गई। पैसे मिलते ही मैंने अपने मकान का काम चालू कर दिया। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और दो बच्चे के हिसाब से मैंने एक कमरा, एक हाल, एक किचन और लेटरिन बाथरूम का निर्माण कराया। प्रधानमंत्री आवास योजना ने मेरे सपनों को साकार कर दिया।